वेलकम बैक टू माई ब्लॉग चैनल। आज मैं आपको कॉर्डिनेट टॉप बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम ड्राफ्टिंग करेंगे, उसके बाद हम इसे कपड़े पे कट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम अपना शोल्डर लेना है, तो हम शोल्डर जो है वो 7 इंच लेंगे। जहाँ पर भी 7 इंच पर मार्क करेंगे, जब हम अपनी आर्महोल का निशान लगाएंगे, हमारी जो आर्महोल है वो 6 इंच है प्लस 1/2 इंच ऊपर दबाव के लिए। जो हम 1/2 इंच सेप देंगे वो इस तरह से। अब हम अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे, तो हमारी जो चेस्ट है वो 30 इंच है, तो 30 का हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये 7.5 इंच होगा, 7.5 इंच। और चूँकि हम टॉप बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा लूजिंग देंगे, इसलिए हम इसको 8 इंच फिटिंग इसका रख ले रहे हैं, चेस्ट का 8 इंच। और प्लस हम 1.5 इंच सीम अलाउंस के लिए ऐड करेंगे। यहाँ से 7 इंच पर नीचे हम अपनी कमर लगाएंगे, आर्महोल से 7 इंच नीचे। यहाँ से भी 7 इंच नीचे हम अपनी हिप का निशान लगाएंगे, आर्महोल से आपको 7 इंच पे नीचे कमर, फिर वहाँ से फिर यहाँ से 14 इंच पे हम अपनी हिप का निशान लगाएंगे। और हमने चेस्ट अपना 8 इंच लिया हुआ था, तो 8 में हम एक कम करके यहाँ पर 7 इंच लेंगे कमर के लिए वेस्ट। और प्लस हमने 1.5 इंच सीम अलाउंस के लिए किया हुआ है, 1.5 इंच सीम अलाउंस का। यहाँ पर भी हम अपनी लेंथ का निशान लगा लेते हैं, तो जो हमारी लेंथ है वो 24 इंच है, और प्लस हम 1 इंच का एक्स्ट्रा करके लेंगे 25 इंच ऊपर और नीचे दबाने के लिए इस तरह से। यहाँ पर भी 25 पर निशान लगाएंगे, इस मार्क को सीधा करेंगे। इस तरह से। और अब यहाँ पर हम पूरा कपड़ा ले लेंगे, इन निशानों को हम मिला लेंगे इस तरह से। अब हम इस निशान को भी मिला लेंगे अपना, ये हमारा फिटिंग का निशान है इस तरह से। और अब हम यहाँ पर अपना आर्महोल का सेप देंगे, इसका 1/2 जो होगा वो 3 इंच होगा, क्योंकि 1/2 इंच हमारा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से हमको सेप देना है। और अब हम अपने गले की मार्किंग करेंगे, तो जो हमारा गला है वो हम 3 इंच का लेंगे इस तरह से। हमें 3 इंच पर मार्क करना है, जो हमें गले की लेंथ लगनी है वो हम यहाँ से भी 3 इंच पे इस तरह से। सॉरी फ्रेंड्स, ये सॉरी हमें राउंड नहीं देना क्योंकि हम बोटनी बना रहे हैं, तो हमको सेप यहाँ से इस तरह से देना है, ये गलत हो गया। तो हमको यहाँ से इस तरह से सेप देना है क्योंकि हम बोटनी बना रहे हैं। अगर हम राउंड सेप देते हैं तो यहाँ से 1/2 इंच पे देते हैं, बट बोटनी में हम यहाँ से 1.5 2 इंच देते हैं, तो इस तरह से हमको ये सेप देना है। ड्राफ्टिंग पूरी हो चुकी है, हम यहाँ पर शोल्डर पे यहाँ पे हमें 1/2 इंच नीचे करना है, निशान लगाना है इस तरह से, 1/2 इंच का निशान जो हमने दिया था, और इस तरह से इसे मिला लेंगे। अब इसे हम कट कर लेंगे। हमें शोल्डर की तरफ 4 निशान लगाना है, तो सबसे पहले हम शोल्डर से यहाँ से 1/2 इंच पर हाफ इंच छोड़ने के बाद एक निशान इस तरह से, ये 1/2 इंच पर यहाँ एक और इस तरह से, हमें 4 निशान लगा लें। ध्यान रखना है हमें गले के सामने निशान, गले के ऊपर इस तरफ निशान नहीं ले जाना है, जो हमने गले का सेट किया उनको इधर ही निशान रखना है। तो मैंने ये 4 निशान लगा लिए हैं, अब मैंने इस तरह से सीधा मिला लूँगी। ये हमने निशान लगा लिया है, और अब हम इन्हें कट करेंगे। यहाँ पर हम निशान को थोड़ा सा पूरी तरह से नहीं कट करना है, यहाँ पर हमें थोड़ा सा जुड़ा रहने देना है। इस तरह से। और अब हम दूसरे पेपर पर इसी कटिंग एक बार फिर से करेंगे। इस तरह से मैंने ये दूसरा पेपर ले लिया, इस तरह से हमें इस तरफ से यहाँ से हम इसे इस तरह से मिलाकर रखेंगे, ये कुछ इस तरह से होगा हमारा। अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे, इस तरह से आपको रखना है, और ये जो है इसे फैला कर रखेंगे
इस तरह से इसे फैला कर रखेंगे। तो ये हमारा शोल्डर है और यहाँ से बाकी का जो कपड़ा है ये हमारा सीधा आ जाएगा, ये इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। इस तरह से यहाँ पर हम भी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। ये इसकी मार्किंग हो चुकी है, अब हम इसे हटा देंगे, हम इसे कट कर लेंगे। उसे हो गया, अब हम इसकी कटिंग कपड़े पर करेंगे। ये इस तरह से मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है यहाँ पर, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर डबल फोल्ड करने के बाद ये इस कॉर्नर से हमको तकरीबन 10 इंच तक ये इस तरह से ऊपर की तरफ इसे इस फोल्ड करना है। ये 10 इंच तक हमारा यहाँ पर इस तरह से ये 4 फोल्ड है और बाकी यहाँ पर ये हमारा डबल फोल्ड है। अब हम अपना फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने जो अपना ड्राफ्ट लिया हुआ था उसे इस तरह से इसके ऊपर हमें सेट करना। ये इस तरह से हमने अपना ड्राफ्ट को इस पर इस तरह से रखना है और एज इट इज मार्क करना है। इस तरह से हमने अपनी ये एज इट इज बिल्कुल मार्क कर लिया है। अब हम इसे हटा देंगे, हम अपनी लेंथ का निशान लगा के उसे मेजर करेंगे। हमारी लेंथ 25 इंच थी तो इस तरह से हमें 25 इंच पर मार्क कर लेना है और इसे इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने एज इट इज बिल्कुल जैसे हमने पेपर पर ड्राफ्टिंग की थी उसी तरह से हमने ड्रॉप कर हो गया हमारा। अब हम इसे कट कर लेंगे। इस तरह से हमारा हो चुका है। अब हम अपना बैक पार्ट कट करेंगे। इस तरह से हमने 4 फोल्ड कर लिया, यहाँ पर डबल फोल्ड है और यहाँ पर ये 4 फोल्ड है जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट में किया था। अब हम अपना इस पार्ट को जो हमने ये वाली ड्राफ्टिंग की थी अच्छे से इस पर सेट करेंगे। इस तरह से हमारा हाफ इंच यहाँ पर शोल्डर में सेफ है, इसे हमें सेट करना है अच्छे से। ये बिल्कुल जैसा है हम वैसे ही इसकी भी ड्राफ्टिंग कर लेंगे। ये हमारा हो गया, अब हम इसे भी हटा देंगे। ये हमारी ड्राफ्टिंग हो गई है, अब हम अपनी लेंथ मेजर करेंगे। इस तरह से हमें 25 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से भी हम स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी इसकी ड्राफ्टिंग हो गई है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अभी हमारी कटिंग पूरी हो चुकी है, अब हम आपको इसे सिलना बताएंगे। फ्रेंड्स अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे। ये हमारा बैक वाला पार्ट है तो इसको ये हम हटा लेंगे। इस तरह से इसे ओपन करेंगे। ये राइट साइड है हमारे बैक पार्ट का, बैक पार्ट है ये हमारा और ये हमारा राइट पार्ट है। तो ये जो हमने साथ में 10 इंच का कपड़ा कट किया हुआ था इसका भी राइट पार्ट हम इस तरह से अंदर की तरफ करके सेट करेंगे। और यहाँ पर आर्म होल से लेकर इस तरह से हम आर्म होल से लेकर ये पूरे गले पर एक स्टिच लगा लेंगे। शोल्डर और नेक पर स्टिच लगाएंगे, स्टिच करेंगे। ये हमने स्टिच लगा लिया है यहाँ पर, देखिए पूरा शोल्डर आर्म होल और गले पर, आर्म होल्स पर और नेक गले पर हमें कट्स लगा लेने हैं। ये हमने कट्स लगा लिए हैं और अब ये जो हमारा कपड़ा है इसे हम इस तरह से रॉन्ग साइड पर टर्न कर देंगे। ये देखिए हमने इस तरह से इसे रॉन्ग साइड पर टर्न कर लिया है। अब हम इसके बिल्कुल किनारों पर एक सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल किनारों पर, ताकि ये बैठ जाए अच्छे से, सेट हो जाए। बैक पार्ट हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए हमारा आर्म होल पर या फिर गले पर हमें पाइपिंग वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम अपना फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट है ये वाला, इसे हम ओपन कर लेंगे। ध्यान से देखिए ये हमने ओपन कर लिया, तो ये हमारा राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड। तो हमने शोल्डर पर ये देखिए बिल्कुल शोल्डर जहाँ हमारा हमने वहाँ छोटा सा कट लगाया हुआ था दोनों तरफ,
तो ये इस तरह से हम इस स्कर्ट को पकड़ेंगे और इस कपड़े को राइट साइड पर इस तरह से टर्न कर देंगे। और जिस तरह से अब हमने बैक पार्ट में सिलाई लगाई थी उसी तरह से हमें इस फ्रंट पार्ट में भी सिलाई लगानी है। लेकिन ध्यान रखना है हमें ये सिलाई आर्म होल और शोल्डर पर लगानी है, क्योंकि हमें ये सिलाई गले पर नहीं लगानी, जो हमारा गला है वो ऑलरेडी पैक है। तो हम आर्म होल और शोल्डर्स पर सिलाई लगा लेते हैं इस तरह से। इसे भी हम राइट साइड पर टर्न करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें भी आर्म होल पर छोटे छोटे नोजेज लगा लेंगे। इस तरह से हमने इसे भी राइट साइड पर टर्न कर लेना है, ये इस तरह से। और जिस तरह से हमने बैक पार्ट पर बिल्कुल किनारों पर सिलाई लगाई थी उसी तरह से हम यहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे। लेकिन हमें ध्यान रखना है हमें सिलाई यहाँ पर गले की तरफ नहीं लगानी है, हम आर्म होल और शोल्डर पर ये सिलाई लगाएंगे। ये हमने इस तरह से यहाँ पर भी सिलाई लगा ली और शोल्डर ज्वाइन करेंगे फ्रंट पार्ट का और बैक पार्ट का। तो ये हमारा राइट साइड है और इसका दोनों राइट पार्ट हम अंदर की तरफ करके रखेंगे। और इस तरह से इस शोल्डर को पकड़ के इस शोल्डर के साथ स्टिच करेंगे और इस शोल्डर को पकड़ कर इस शोल्डर के साथ हम स्टिच कर लेंगे। हमने यहाँ पर ऑलरेडी फोल्डिंग कर रखी है तो हमें सिर्फ 1/4 इंच की सिलाई लेनी है, ज़्यादा कपड़ा हमें नहीं दबाना है। हम इसे स्टिच कर लेते हैं। डबल स्टिच लगा लेंगे। इसी तरह से हम अपना दूसरा शोल्डर भी ज्वाइन कर लेंगे। हमने अपने शोल्डर ज्वाइन कर लिए हैं और अब हमने इस तरह से कपड़े को मिलाकर यहाँ पर फिटिंग का निशान लगा लिया है। ये निशान हमने जितना कपड़ा एक्स्ट्रा लिया हुआ था उतना लगाया हुआ है। और अब हम इस पर स्टिच दोनों तरफ लगा लेंगे। इस तरह से कपड़े को मिलाकर रखेंगे और हम अपनी स्टिचिंग लगा लेंगे। यहाँ पर हमें ये चारों कपड़े इस तरह से मिलाकर रखने हैं। ये हमने फिटिंग कर लिया है। इस तरह से मैंने इस तरफ भी फिटिंग कर ली है। ये दोनों तरफ हमारा ये फिटिंग हो चुका है, ये देखिए। और अब हम जहाँ नीचे फोल्डिंग करेंगे यहाँ नीचे की तरफ, ये इस तरह से हमें 1/2 इंच एंड फिर 1/2 इंच फोल्ड करना है और इस पर हम इस तरह से स्टिच स्लिप कर लेंगे। से हमने ये फिटिंग भी कर ली है और नीचे ये सिलाई भी लगा ली है। फ्रेंड्स, ये हमारा कॉलनेक टॉप बनके रेडी है। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।